अस्सलामुअलैकुम क्लास 10, दिस इज़ योर टीचर मिस अरीबा अलीम। वेलकम बैक आफ्टर सच अ लॉन्ग ब्रेक। इस ब्रेक में आप लोगों को काम अपना कंप्लीट करने का टाइम मिल गया होगा, आई होप सो। वैसे तो आप लोगों का काम बहुत ज़्यादा, यू पीपल आर वेरी आई कैन से वेरी एक्टिव एंड यू पीपल हैव मेंटेन योर कॉपी वेरी वेल, तो मुझे आप लोगों से कोई भी कंप्लेन नहीं है। बट स्टिल अगर मैंने बता दिया इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आगे इस तरीके से कंटिन्यू ना करा जाए, इस तरीके से अपना काम टाइम पे कंप्लीट करें। एंड इफ़ यू पीपल फेस एनी डिफिकल्टी, आई रिपीट दिस अगेन एंड अगेन इन माई लेक्चर्स, दैट यू आर फील फ्री टू आस्क। ओके, अच्छा, द लेसन दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन आर इंग्लिश टेक्स इज किंग फैसल। ठीक है, एज ऑलवेज आई विल आस्क यू पीपल टू गो एंड रीड द चैप्टर फर्स्ट, ताकि जब आप लोग आएँ तो मैं आप लोगों को इसकी समरी फिर बता सकूँ, ताकि उसके बाद हमें चैप्टर जो है कि जो एक्सरसाइजेज हैं उसको अटैम्प्ट करने में आसानी हो। तो गो एंड रीड इट फर्स्ट। आई गेस यू पीपल आर डन रीडिंग द चैप्टर। अच्छा, बेसिकली किंग फैसल जो था वो अपॉइंट हुआ था किंग जो हमारे पास सऊदी अरेबिया में, एंड फ्रॉम इज वेरी अर्ली एज उसने बहुत ज़्यादा जो है काम करना शुरू कर दिया था फॉर हिज कंट्री। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था उसके टाइम पर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हुए, उसने बहुत सारी फैक्ट्रीज ओपन कराई उसके रूल में, आई मीन उसके जो रूलिंग टाइम पीरियड था उसके अंदर सऊदी अरेबिया ने बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं प्रॉस्पैरिटी सऊदी अरेबिया ने जो है वो अचीव करी। एंड नॉट ओनली दैट, ही वॉज़ वेरी अगेंस्ट इसराइल, जो इसराइल जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो बहुत जितने भी उसकी कॉन्स्पिरेसीज थी, जो भी उसके प्लान्स थे, वो उसको बहुत ज़्यादा कंडेम करता था और कंडेम करते किंग फैसल एग्जैक्टली करता था। एंड नॉट ओनली दैट, उसने बहुत सारे ऐसे आई कैन से रूल्स सेटअप किए हुए थे जो कि उनके अगेंस्ट थे और वो किसी भी सूरत में इसराइल को सपोर्ट नहीं करता था। ठीक है, दैट इज़ वाई ही इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी ऑल ओवर, और इसने बहुत सारे काम करे हैं फॉर हिज कंट्री, दैट इज़ वाई ही इज़ वेरी वेल नोन। कमिंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर्स, व्हेन वॉज किंग फैसल बॉर्न? द लेट किंग फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया वॉज बॉर्न इन 1907। ही वॉज द सेकेंड सन ऑफ किंग अब्दुल अजीज इबन सऊद। लेट किंग फैसल बॉर्न कब हुए थे? 1907 में सेकेंड सन जो किंग अब्दुल अजीज के थे, वो सेकेंड बेटे थे किंग अब्दुल अजीज के। फ्रॉम होम डिड ही रिसीव हिज रिलीजियस एजुकेशन? उनकी जो इस्लामिक एजुकेशन थी उन्होंने कहाँ से हासिल करी? किंग फैसल बिलोंग्ड टू अ नोबल एंड रिलीजियस फैमिली, सो ही रिसीव्ड हिज रिलीजियस एजुकेशन फ्रॉम हिज मेटर्नल ग्रैंडफादर शेख अब्दुल्ला बिन लतीफ। किंग फैसल जो थे एक बहुत इज्जतदार, बहुत रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते थे, जो उनके नाना थे शेख अब्दुल्ला बिन लतीफ, उन्होंने वहाँ से अपनी जो है जो इस्लामिक उनकी एजुकेशन थी वो अचीव करी। व्हेन वाज फैसल मेड द किंग? फैसल वाज मेड किंग आफ्टर द इलनेस ऑफ हिज एल्डर ब्रदर किंग सऊद इन 1964। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चोज हिम एज अ किंग बिकॉज ऑफ हिज विजडम एंड इंटेलिजेंस। जो उनके बड़े भाई थे 1964 में जब वो बीमार होने लगे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उनको बनाया जो है किंग, क्योंकि वो उनके विजडम की वजह से और उनकी इंटेलिजेंस की वजह से। हाउ डिड फैसल रूल सऊदी अरेबिया? बींग एन एबल रूलर एंड पोजेसिंग ग्रेट क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, फैसल रूल्ड सऊदी अरेबिया वाइजली एंड जस्टली। सऊदी अरेबिया वॉज पॉलिश्ड अंडर हिज रूल बिकॉज ऑफ सिंसियर लीडरशिप एंड लव फॉर हिज कंट्री। ही डिड हिज बेस्ट फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ द कंट्री। सऊदिया फैसल के अंदर रूल में कैसा था? उसके अंदर बहुत ऑलरेडी जो है ना क्वालिटीज़ थी लीडरशिप की। ऐसी बात है, किसी कंट्री को रूल करने के लिए लीडरशिप क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर रूलिंग अ कंट्री, इफ़ यू हैव टू रन एनी एसोसिएशन यू नीड टू हैव लीडरशिप क्वालिटी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये प्रोमिनेंट क्वालिटी थी। नॉट ओनली दैट, वो बहुत ज़्यादा वाइज थे और बहुत ज़्यादा जस्टिस के साथ जो है सारे काम करते थे। इस वजह से उनकी सिंसियर लीडरशिप और उनके अपने जो कंट्री था उससे मोहब्बत की वजह से जो सऊदी अरेबिया था उनके टाइम पर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, बहुत ज़्यादा पॉलिश हो गया। हाउ डिड ही डिवेलप हिज कंट्री? Keeping a vast governing experience, Faisal took all necessary steps to develop his country. He spent a lot of money to promote his people and provide the basic amenities of life to the people at their footsteps. He set up new industries and mill, provided the education with stipends compulsory, and took steps to increase mineral oils production, which is the main source of income. Vast areas, deserts were irrigated and brought under cultivation. अपने गवर्निंग एक्सपीरियंस के साथ उसने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए जो कि उस कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। बहुत सारा उसने पैसा इन्वेस्ट किया लोगों को और प्रमोट करने में और उनकी जो बेसिक लाइफ की ज़रूरियात होती हैं उनको फुलफ़िल करने में। इंडस्ट्रीज़ लगाई बहुत सारे मिल लगाए और एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेटर किया और जो है जो ऑयल जो मिनरल प्रोडक्शन है वहाँ की
क्योंकि सऊदीया की मेन अर्निंग रिसोर्स है उसको उसने बहुत ज़्यादा नरिश किया इसकी वजह से, और जो लैंड्स कल्टीवेट हो सकते थे बिकॉज यू नो सऊदी अरेबिया इज़ अ डेजर्ट एरिया, तो उसको इरीगेट करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो उसने वो भी करा. What were the feelings of King Faisal about Pakistan? King Faisal was a sincere friend and a well-wisher of the people of Pakistan. He showed his sincerity on several occasions by providing all-out mental and material support. He felt deeply on the separation of Pakistan. He was the one who gave the castle of Islam to Pakistan and his name shall live forever in the hearts of Pakistan. किंग फैसल जो है पाकिस्तान के बारे में क्या फीलिंग्स रखता था. किंग फैसल जो है ना बहुत सिंसियर फ्रेंड और वेल विशर था पाकिस्तान का, और वो बहुत सारे ओकेजन्स पे जो भी ओकेजन्स थे वो शो अप करते थे यहाँ पे, और पाकिस्तान के साथ उसका पूरा सपोर्ट था, और पाकिस्तान के सेपरेट होने पे बहुत ज़्यादा अंदर से ही फेल्ट ग्रीव्ड. Why was King Faisal against the state of Israel? King Faisal was against the state of Israel because of its enmity towards the Arabs. In fact, he was aware of the aggressive designs of European bloc, that he condemned the illegal occupation of Israel. He demanded that the previous state of Jerusalem should be restored, that is to be given under the control of Muslims as a whole Islamic city. फैसल जो है स्टेट ऑफ इसराइल को अगेंस्ट इसलिए था क्योंकि जो है उसको पता था कि वो उसके क्या क्या जो है कॉन्स्पिरेसीज हैं टूवर्ड्स मुस्लिम्स, तो वो उसको बहुत इलीगल जो उनकी ऑक्यूपेशन थी उसको बहुत ज़्यादा कंडेम करता था, और वो चाहता था कि जेरूसलम रीस्टोर हो और वापस एक इस्लामिक वो स्टेट बन जाए. व्हाट डिड फैसल डू फॉर द अरब्स इन देयर वॉर अगेंस्ट इसराइल? फैसल मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट टू गेट बैक द अरब टेरिटरीज एंड प्रोवाइडेड फुल फाइनेंशियल सपोर्ट टू अरब्स. ही नेवर रिकॉग्नाइज्ड द स्टेट ऑफ इसराइल एंड डिड नॉट एस्टैब्लिश any kind of relation with it at any level. He was the one who introduced the Arabs as a community. उसने हर देखो उसने अरब इसराइल के अगेंस्ट क्या करा, उसने हर पॉसिबल एफर्ट करी कि अरब की जो टेरिटरीज थी वो उनको वापस मिल जाए. इस सिलसिले में उनको जितना फाइनेंशियल सपोर्ट अरब को चाहिए था उसने प्रोवाइड किया, और इसराइल को जो स्टेट उसने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया, उस उनसे किसी तरीके का रिलेशनशिप डेवलप नहीं करे, क्योंकि जो चीज़ मुसलमानों के खिलाफ हो, जो लोग मुसलमानों के खिलाफ हों, द पीपल आर नेवर बी पीपल शुड नेवर यू नो डेवलप एनी काइंड ऑफ रिलेशंस विद देम. अच्छा, और इसने वही था जो उसने अरब को एक एज अ कम्युनिटी इंट्रोड्यूस करवाया. ओके, कमिंग टूवर्ड्स द एमसीक्यू सेक्शन दैट यू आर गोइंग टू डू बाय योरसेल्फ बाय रीडिंग द चैप्टर. King Faisal was a dash friend and dash of Pakistan, helper, partner, well-wisher, guide. King Faisal was a model of a noble and dash leader, dash, okay, decent, good, competent, pious. Saudi Arabia made great dash in many fields under King Faisal's rule. Advancement, progress, achievements, and again, the fourth option is advance. Saudi Arabia's main income comes from dash, mineral oil, gold, pilgrims, agriculture. King Faisal possessed great dash of leadership, prophets, characteristics, qualities, traits. King Faisal was assassinated on 25th March dash 1972, 73, 74 or 75. King Faisal gave generous dash to Pakistan on several occasions, assistance, help, aid, money. King Faisal and Pakistan held the Islamic Summit Conference at Lahore in dash 1972, 1973, 1974 or 1975. King Faisal had a strong wish to dash the Muslims of the world. Merge, join, unite, tie. Complete these question answers portion and MCQs in your copy. And again, I'm telling you, if you have any queries related to my course, you are free to ask. Okay? Till then, Allah Hafiz.